सो हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एनिमे फैंस का अड्डा। एंड आज हमारे साथ है हरीश मोइली सर। ये एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हरीश मोइली सर ने डब किए हुए सारे के सारे एनिमे कैरेक्टर्स की हिंदी डबिंग। यानी कि आज हम देखेंगे हरीश मोइली सर ने जितने भी एनिमे कैरेक्टर्स को हिंदी में डब किया है उसकी लाइव डबिंग। सो गाइज अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना गाइज, एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। एंड हरीश मोइली सर की इंस्टाग्राम आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जल्दी उनको भी फॉलो कर देना एंड मुझे भी फॉलो कर देना। सो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश मोइली। मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूं और जिंका, काइटो नबारा, वॉल्ट, गाय सेंसे जैसे कई कैरेक्टर्स को मैंने अपनी आवाज़ दी है। एनिमे फैंस का अड्डा चैनल पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिए चैनल पर नरूटो की सीरीज आ रही है जहां पर उसके 4 से भी ज्यादा सीजन आ चुके हैं एंड उनमें भी हरीश मोइली सर ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को हिंदी डब किया है, जैसे कि रॉकली, नेजी और टेंटेन के सेंसे और उसी के साथ काकाशी के बिगेस्ट ट्राइवल, द 8th गेट ओपनर यानी कि द माइट गाय। हे, क्या हाल है, कैसे हो तुम सब, मजे कर रहे हो ना? हाय ली, डूबते हुए सूरज की ओर भागो, भागो और भुगतो, पर बाल बिखरने मत देना। आप लोग थर्ड होकागे सारुटोबी के पोते को तो जानते होंगे जिसका नाम है कोनोहा मारू, तो उसके सेंसे जो कि है एबिसु, तो उसे भी हिंदी में आवाज दी है हमारे हरीश मोइली सर ने। मुझे नहीं बहका सकते, मैं एक जोनिन हूँ, एक एलीट निंजा वॉरियर, मैं कोई कमजोर मिजुकी नहीं हूँ। देखो कैसे एक असली निंजा नौसिखिए को हराता है। तैयार। आपने बेबलेड मेटल सीरीज तो देखी होगी, तो उसके टोटल 4 सीजन है एंड चौथे सीजन में जिंगा हगाने को हिंदी में आवाज दी थी हरीश मोइली सर ने एंड ये सीजन मार्वल एचक्यू चैनल पे आ चुका है। समझ गया, अब भी ये झटका। इस शो में ए टूनावारा नाम का एक छोटा बच्चा दिखाया गया है जो कि एक बेबलेडर है एंड उसी के साथ उसे स्केटिंग करना भी पसंद है, तो उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है काइटुना बारा एंड वो एक बहुत ज्यादा होशियार लड़का है एंड उसे भी हिंदी आवाज दी है हरीश मोइली सर ने। एट, रेन, माफ करना एट, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? बेब्लेड बर्स्ट राइज बहुत ही ज्यादा यूनिक सीरीज है एंड रिसेंटली पिछले साल नवंबर में ये डिज्नी चैनल पे आना शुरू हो चुकी थी एंड उसी में यानी कि बेब्लेड बर्स्ट राइज में वॉल्ट अर्वी की हिंदी वॉइस है हरीश मोइली सर। हेलो दोस्तों, क्या आप सब मजे करने के लिए तैयार हो? तो चलो मिलकर मुकाबला करें। तो ठीक है, तैयार हो जाओ, 3, 2, 1, चक्कर दे टक्कर। हरीश सर ने इसी शो में एक और फनी और अमीर कैरेक्टर को हिंदी डब किया है जो कि है फूमिया। हाँ पता है वो सारे लूजर्स होते हैं, लेकिन टांटे में कुछ बात है, उसमें कमाल की ताकत है क्योंकि वो बीसी सोल का पुराना मेंबर है, वो यहाँ का सबसे अच्छा ब्लेडर है, इस दुनिया में सिर्फ वो ही है जो मुझे हरा सकता है। फायर फोर्स जैसे लेजेंडरी एनिमे में सर ने एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जियोवानी को हिंदी डब किया है। खबर मिली है कि प्रचारक उस पवित्र ज्वाला को पाना चाहता है, वो जान चुका है कि उसकी लपटें बहुत ही पवित्र हैं, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए कि वो आम लपटों से किस तरह अलग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पहले उसे इस बात का पता चल गया हो। उसी के साथ डार्लिंग एंड द फ्रैंक्स के फनी और फूडी गाय फुतोशी को हिंदी डब किया है हरीश मोइली सर ने। और रही मेरी बात, मैंने पहली बार देखा कि लड़की कितनी खूबसूरत होती है, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कोकोरो। ओ हाँ ठीक कहते हो, तकलीफ होती होगी। उसी के साथ हरीश सर ने कई सारे लाइव एक्शन टीवी चैनल्स में भी डबिंग की है, जैसे कि डिस्कवरी साइंस पर एक शो आता था स्ट्रीट साइंस
जहाँ पर उन्होंने केविन डेलानी को हिंदी डब किया है। एंड उसी के साथ एक और शो था डिस्कवरी साइंस पे, जिसका नाम है व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग, एंड उसमें ग्रैंट रेनॉल्ड्स को हिंदी डब किया है। उसी के साथ सोनी बीबीसी अर्थ पे एक शो था ट्राइबल बूट कैंप, तो उसमें सर ने जोएल को हिंदी डब किया है। और एक और शो था सोनी बीबीसी अर्थ का ह्यूमन यूनिवर्स नाम का, जहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स को हिंदी डब किया है। उसी के साथ एक और चैनल है जिसका नाम है TLC, एंड वहाँ पे एक शो था केक हंटर्स, एंड उसमें सर ने नरेशन किया है, यानी कि नरेटर का काम किया है। अब देखते हैं उनके नेटफ्लिक्स के कुछ सीरीज। तो वो एसासिन नाम की एक सीरीज है जहाँ पर सर ने कैप्टन फ्रैंक फ्लेचर को हिंदी डब किया है। साउंड ट्रैक में सर ने सैम को हिंदी डब किया है। और डेयर डेविल सीरीज में सर ने फॉगी नेल्सन को हिंदी डब किया है। द ऑर्डर्स में सर ने काम किया है थॉमस जेम्स नाम से। उसी के साथ स्नीकर हेड में सर ने डब किया है डेविन को। नवरासा सीरीज में सर ने एक कैरेक्टर को डब किया है जिसका नाम है वेत्री, एंड उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डब किया है। उसी के साथ माया एंड द थ्री में सर ने रेको को हिंदी डब किया है, एंड याकामोज में सर ने सेम को हिंदी डब किया है। एंड अब DC फैंस रेडी हो जाओ, क्योंकि सर ने DC टाइटंस सीजन 3 में सुपर बॉय को हिंदी डब किया है। तो अब तक आपने देखा नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज की डबिंग, तो अब देखते हैं नेटफ्लिक्स के कुछ मूवीज की डबिंग। जैसे कि हॉलीडे रश मूवी में सर ने रोमानी मेल्को को हिंदी डब किया है, थंडर फोर्स में जैसन बेट को हिंदी डब किया है, और द रिक्रूट मूवी में सर ने जैनस फर्बर को हिंदी डब किया है। उसी के साथ टुमारो वॉर नाम की एक मूवी थी Amazon प्राइम वीडियो पे आई थी, एंड उसमें सर ने चार्ली को हिंदी डब किया है। उसी के साथ टॉप गन नाम की एक और मूवी है जहाँ पर सर ने कोयोटो को हिंदी डब किया है। सो गाइस, आपने वीडियो के शुरुआत में हरीश मोली सर का इंट्रोडक्शन तो सुना ही होगा, तो जाते जाते भी उनके ओपिनियन सुन लीजिए। Hey, अगर आपने एनिमे फैंस का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सिटी के 10 चक्कर लगाने होंगे, तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग चिंका हगाने यानी मुझे हरीश मोइली को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ऐसे ही लाइव डबिंग के वीडियोस देखते रहना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई रखी है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो सारे के सारे लाइव डबिंग वीडियोस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है। 2K फॉलोवर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से यार फॉलो कर देना, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, एंड अपने एनिमे फैंस जितने भी हैं उनके साथ शेयर कर दो जल्दी से, एंड कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।